देहरादून पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन फर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि फर्म के संचालक कुलनाल नारायण उनियाल और उसकी पत्नी ने यूरोपीय देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की थी। पीड़ितों से लगातार पैसे वसूले गए और मांगने पर धमकियां भी दी गई। एसएसपी ने 4 FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। तो विदेश भेजने के नाम पर ठगी की वारदात की गई थी और ठगी की वारदात करने वाले लोगों को फिलहाल पकड़ लिया गया है। देहरादून में फर्जी कंसल्टेंसी पर कार्रवाई भी की गई है। ठगी करने वाली एजेंसी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम एकजुट होकर अभियान चलाते हुए इस पर कार्रवाई करती हुई नजर आई और फर्जी वीजा कंसल्टेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो विदेश भेजने के नाम पर यह पूरी ठगी काफी लंबे समय से हो रही थी और फिलहाल इस ठगी का अब भानाफोड़ हुआ है। पीड़ितों की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है और देहरादून में फर्जी कंसल्टेंसी पर कार्रवाई भी की गई है। तो ये खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां विदेश भेजने के नाम पर प्राइड गोल्ड एजुकेशन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। फर्जी वीजा कंसल्टेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है और विदेश भेजने के नाम पर लंबे समय से इस फर्म के द्वारा ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती है और खासकर मैंने देखा है जो बाहर के युवा है उन वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स हमको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया एक एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग के ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आकर यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं, उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनका वीज़ा नहीं बने और उन 4 की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालने वाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए।